करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। मनावर में प्रशासन ने निर्वाचन पूर्व की जमकर तैयारी। क्या केजरीवाल ने अधूरे ब्रिज का किया उद्घाटन? 20 दिन में 3 की मौत। आतंकियों के मारे जाने पर बौखलाए पत्थरबाज, वीडियो वायरल। अब खबरें विस्तार से। मनावर में निकला निर्वाचन से पूर्व CISF और पुलिस बल का फ्लैग मार्च। विधानसभा चुनाव 2018 के मद्देनजर 28 नवंबर को निर्वाचन से पूर्व प्रशासन ने अपनी पूर्ण तैयारी कर ली है, जिसके तहत CISF और पुलिस बल ने फ्लैग मार्च निकाला, जो मनावर नगर के प्रमुख मार्ग से होकर पुलिस थाना मनावर पहुंचा। ये आगामी विधानसभा चुनाव मनावर में हो रहा है, एरिया कम्युनिकेशन के लिए रिमार्क किया गया है, बल आया है। CISF की कंपनी है, प्लस ग्राम ग्राम्स का बंद है, ये नई दिल्ली यमुना नदी पर नवनिर्मित सिग्नेचर ब्रिज पर आम लोगों की आवाजाही शुरू हुए 20 दिन ही हुए। शुरू में तो निर्माण को लेकर श्रेय लेने की होड़ लगी रही। अब बीते 2 दिनों में जिस तरह 3 युवाओं की सिग्नेचर ब्रिज पर सड़क हादसे में मौत हुई, उसके बाद रोकथाम करने वाली एजेंसी द्वारा हादसे न हो इसके लिए उपाय निकालने की जगह आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में हुई मुठभेड़ के बाद कुछ लोगों ने अपना क्रोध प्रकट किया। इस दौरान विरोध प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों की गाड़ियों पर पथराव किया। खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।